In this video, I survived 200 days in Minecraft Hardcore. And in 200 days के अंदर मैंने 3 beacon बनाए, जिसमें से एक full diamond का beacon था, और तो और मैंने एक OP वाला iron farm भी बनाया, और तो और एक creeper farm भी बनाया, and मैंने 3 creepers को मारा बिना एक heart का भी damage लिए. And if you want to know how did I did this, so please watch this video till the end. हाँ भाई editor, लगा दे intro. सो गाइस, जैसे मैं वर्ल्ड के अंदर आता हूँ तो मैं अपनी इन्वेंट्री को चेक करता हूँ और उसमें काफी सारी लूट होती है, क्योंकि मैं पिछले एपिसोड में एंड सिटी में गया था और वहां से हमें काफी सारी लूट मिलती है और उसमें एक रेस्पिरेशन 3 की बुक भी होती है, तो इसलिए मैं उस बुक को अपने हेलमेट पे लगा लेता हूँ और मैं इलाइटर के ऊपर अनब्रेकिंग 3 एंड मेंडिंग में लगा लेता हूँ ताकि मेरी इलाइटर जल्दी से ना टूटे. एंड फिर गाइज, इसके बाद मेरा इलाइटर से उड़ने का मन तो करता है, बट मेरे पास रॉकेट नहीं होते और रॉकेट बनाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट गन पाउडर चाहिए होता है, और मेरे पास तो गन पाउडर का कोई फार्म ही नहीं था ना, तो मेरे मन में आता है कि क्यों ना एक गन पाउडर का फार्म बना ले जाए. तो सोचने की बात क्या है, चलो बनाते हैं. एंड फिर गाइज, आपको पता है इसके बाद ना मैं 2 से 3 दिन तक AFK रहता हूँ और हमारे गन पाउडर फार्म में काफी सारा गन पाउडर भी आ जाता है, मगर पता नहीं यार क्यों मेरी ये रिकॉर्डिंग करप्ट हो जाती है. गजब तू भी बाज आदमी हो. लॉल. और गाइज, आप एक बार खुद देखो मेरे पास कितने सारे रॉकेट और गन पाउडर हो जाते हैं, और बचे हुए गन पाउडर से ना मैं काफी सारे TNT बना लेता हूँ, क्योंकि अब वक्त आ चुका था कि हम अपने नीले कपड़े को काले कपड़े में बदल दें. What? अरे अरे, मेरा मतलब क्यों ना अब हम नेदर राइडर में बना ले. तो चलो फिर नेदर में तोड़ा फोड़ी शुरू करते हैं. लॉल. एंड गाइस, मैं नेदर में ना एक अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए इलाइटर से उड़ रहा होता, और पता है जब तक मैं इलाइटर से उड़ रहा था ना, तो मेरे दिल में ऐसे धक धक की आवाज आ रही थी कहीं मैं लावा में ही ना सीधा डुबकी लगा दूं. लेकिन हम सेफली अपनी माइन में पहुंच जाते हैं और फिर मैं वहां पे काफी सारे TNT लगाता हूं और फोड़ के भाई एकदम ही दूर भाग जाता हूं, कहीं मैं मर मरा ना जाऊं. और गाइस, जैसे एक्सप्लोडन होता है तो मैं देखता हूं भाई एक ही TNT फूटा यार, फिर मैं उसे फिर से एक्सप्लोड करता हूं, और जब मैं थोड़ा इंतजार करता हूं तो भाई फिर से एक ही TNT फूटता है. हमेशा ही मेरे साथ ही क्यों होता है माँ. लेकिन गाइज, हमें अपने दूसरे TNT के एक्सप्लोडन में हमें एक एंशिएंट डेब्रिस मिली जाती है, लेकिन मैं उसे अभी नहीं तोड़ता क्योंकि मैं सारी तोड़ा फोड़ी करने के बाद एंशिएंट डेब्रिस तोड़ूंगा एक साथ, तभी तो मजा आएगा ना बिडू. सही बात है. एंड गाइस, क्या आपको पता है इतने सारे TNT फोड़ने के बाद मुझे कितने सारे एंशिएंट डेब्रिस मिलते हैं? नहीं. अरे अरे, डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो? व्हेन सिद्धू इज हियर सो नॉट फिकर एंड फियर. गजब तू भी बाज आदमी हो. तो मैं बताता हूँ, मेरे को टोटल 55 एंशिएंट डेब्रिस मिलते हैं, और ये सारे एंशिएंट डेब्रिस लेके ना मैं सही सलामत अपने घर पे पहुंच जाता हूँ और घर पे जाके इन सभी को पकाने लगता हूँ. एंड गाइस, मेरे पास टोटल 13 काले पत्थर आ जाते हैं. व्हाट? अरे अरे, मेरी भाषा में काले पत्थर का मतलब नेथराइट इनगट. एंड फिर गाइज, मैं उन काले पत्थरों को अपने नीले कपड़ों पे घिस घिस के उन नीले कपड़ों को भी काला कपड़ा बना देता हूँ. अरे मतलब नेदराइट का आर्मर बना देता हूँ. और हाँ, मैं टूल्स पर भी उस पत्थर को घिसता हूँ. एंड गाइज, ये देखो, अब हमने एकदम फुल टुश काले कपड़े पहन लिए. अरे यार, मेरा मतलब नेदराइट आर्मर पहन लिया है. और गाइज, मेरे को इन काले कपड़ों की इतनी खुशी होती है कि मैं विलेज में जाके ना आयरन गोलम को ही कूट के आ जाता हूँ. थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है. रुक जा, रुक जा. गाइस, ये आयरन गोलम तो सिर्फ मेरे को हाफ हार्ट का डैमेज दे पाया, लेकिन मजा तो तब आएगा जब मैं 3 विदरों को मारूंगा बिना एक हार्ट का डैमेज लिए. तो चलो फिर, अभी हम चलते हैं नेदर में और उन काले वाले मॉब्स की ना खोपड़ियां लेकर आते हैं. अरे यार, मेरा मतलब विदर स्कल लेकर आते हैं. Okay.
एंड गाइस इतने सारे विदर मारने के बाद मेरे को पूरी 9 काली खोपड़ी मिलती है जिन्हें मैं अपने सही सलामत घर पे ले आता हूँ और फिर मैं काफी सारी तैयारी करता हूँ, लाइक मैं काफी सारे पोशंस बनाता हूँ और खाना वाना थोड़ा खरीदता हूँ विलेजर से और निकल पड़ता हूँ एंड में, क्योंकि गाइस हमें ग्लिच के द्वारा एंड में 3-3 विदर को मारेंगे बिना एक हार्ट का डैमेज लिए। डरपोक हो तुम। ए क्या बोल रहे हो, मैं डरता हूँ? मैं उन्हें खुले में भी मार सकता हूँ लेकिन मैं अलग तरीके से मारना चाहता हूँ यार, स्वैग है मेरा, अभी समझा करो। एंड गाइस आपको एक बात बताऊं, जब तक मैं इन सब चीजों की तैयारी कर रहा होता हूँ ना, मेरे मन में एक बच्चे बार बार आ रहा होता है और जो पता है मेरे से क्या कह रहा होता है। सो प्लीज आई वांट टू रीच 1 मिलियन। हाँ तो गाइस सब्सक्राइब कर दो ना यार। साले। अरे अरे बाबू भैया मेरी खोपड़ी मत तोड़ो, सब्सक्राइब भैया की खोपड़ी तोड़ो, जाओ। एंड फिर गाइज इसके बाद मैं अपने वर्ल्ड में पहला विदर स्पॉन कर देता हूँ और ये देखो मैं कितना दूर जाके भागता हूँ। यही कहने का क्या मतलब है, मैं उससे डरता हूँ? मैं नहीं डरता। ये देखो मैं कितना पास जाके उसे मार के आ रहा हूँ और ऐसी करके मैं पूरे 3 विदर को मार देता हूँ बिना एक हार्ट का डैमेज लिए। हाँ एंड गाइज फाइनली 3 विदर को मारने के बाद मुझे पूरे 3 नेदर स्टार मिल जाते हैं और फिर मैं अपने घर में आ जाता हूँ। और अभी गाइज मेरे को 3 बीकन बनाने थे जिसमें से एक होने वाला था फुल्ली डायमंड का बीकन। और गाइज अभी मेरे पास पूरे 82 डेज बचे थे जिनमें गाइज मेरे को डायमंड्स काफी सारे ढूंढने होंगे। तो मैं अपनी लाइटर और रॉकेट उठाता हूँ और निकल पड़ता हूँ बहुत दूर किसी बड़ी सी केव में। और थोड़ा सा आगे चलकर ही ना गाइज मेरे को एक काफी ज्यादा बड़ी केव मिल भी जाती है, तो उसमें मैं माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। पहले तो मैं थोड़ी बहुत ओपन माइनिंग करता हूँ ताकि मेरे को थोड़े बहुत डायमंड मिल जाए, लेकिन मेरे को ओपन माइनिंग में डायमंड मिलते ही नहीं, तो इसलिए मैं शुरू हो जाता हूँ स्ट्रिप माइनिंग करने के लिए। और हाँ गाइज मैं आपको ये बता दूँ, बीच में ना मेरे को एक स्केलेटन का स्पॉनर भी मिलता है जिसमें मेरे को पूरे 2 नेम टैग मिलते हैं। और हाँ मैं उस स्पॉनर को नहीं तोड़ता क्योंकि मेरे को एक एक्सपी फार्म भी बनाना था, तो इसलिए मैं उसे जिंदा छोड़ देता हूँ। और फिर गाइज मैं -48 लेवल पे स्ट्रिप माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ और इस लेवल पे बहुत सारे डायमंड मिलते हैं और ऊपर से मेरे पास फॉर्च्यून 3 होती है ना, तो इसलिए मेरे को एक ही जगह से 12-13 डायमंड मिल जाते हैं। और ये देखो कहते के साथ ही और डायमंड भी मिल गए। और गाइज जब मैं इन डायमंड को माइन कर रहा होता हूँ ना, तो पता है इनके पास क्या निकलता है? लैपिस वसूली। इसका मतलब समझे दया? नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और डायमंड है, तो चलो और माइनिंग करते हैं। 10 years later. एंड गाइज मैं पूरे 11 डेज तक लगातार माइनिंग करता हूँ और ये देखो मेरे पास कितने सारे डायमंड आ जाते हैं और मेरी पिकेक्स की हेल्थ भी काफी कम हो जाती है, मतलब बीच में आ जाती है। लेकिन गाइज ये मत सोचना ये डायमंड काफी है, क्योंकि ये डायमंड तो 1% भी नहीं है भाई। अभी आप सोचोगे फिर मैं माइनिंग से बाहर क्यों आ गया, क्योंकि गाइज मैं माइनिंग करते करते बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं अपने घर पे आ जाता हूँ, क्यों ना थोड़ी बहुत मस्ती कर ली जाए। मस्त प्लानिंग। एंड गाइज मैं घर जा ही रहा होता हूँ तभी मेरे को बीच में पिलेजर आउटपोस्ट मिल जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना रेड करवाई जाए और थोड़े से टोटम कलेक्ट कर लिए जाए। तो मैं इनके घर में घुस के इनके बॉस को मार के आता हूँ, वो भी इनके चमचों के सामने। मैंने तो इनकी पूरी इज्जत लूट ली। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एंड फिर गाइज मैं अपने घर पर आ जाता हूँ और रेड शुरू भी हो जाते हैं, तो मैं जल्दी से अपना सारा सामान चेस्ट में रखता हूँ। और अभी गाइज आप मजे लो, मैं इन देखो पिलेजर को कैसे ताबड़ तोड़ मारता हूँ। एंड गाइज अभी हमारी रेड पूरी खत्म हो चुकी होती है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अपने ट्रेडिंग हॉल में जाया जाए। और इसी खुशी में भाई 2 विलेजर में घर से बाहर निकल जाते हैं और खुद में ही पटाखे बजा देते हैं। भाई इतनी खुशी मत मनाओ कि मौत के मुंह को छू के आ जाओ। खैर छोड़ो गाइज, इस ट्रेड से मुझे पूरे 5 टोटम मिलते हैं जो कि मेरे लिए काफी सारे होते हैं। और गाइज मेरे को हीरो ऑफ द विलेज भी मिलता है ना, तो मैं काफी सारी स्टिक ट्रेड करने लग जाता हूँ अपने फ्लेचर से। Many months later. एंड फिर गाइज इसके बाद काफी सारी ट्रेडिंग करने के बाद जो बची हुई स्टिक होते हैं मैं अपने चेस्ट में रख रहा होता हूँ, लेकिन मेरे को भाई कहीं रखने की जगह ही नहीं मिलती भाई, मतलब मेरे को इतना गुस्सा आ जाता है, मेरे पास कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना एक मॉडर्न स्टोरेज सिस्टम बनाया जाए। तो चलो फिर बनाते हैं एक मॉडर्न स्टोरेज सिस्टम।
फिर गाइस फाइनली 13 डेज की मेहनत के बाद हमारा स्टोरेज सिस्टम बनके एकदम रेडी हो चुका है। और गाइस आप खुद देखो ये कितना ज्यादा ओपी लग रहा है। और गाइस इसके अंदर इतने चेस्ट है ना कि मैं अपनी इस पूरी सीरीज में इन चेस्टों को नहीं भर पाऊंगा। और गाइस आप एक बार इसका बाहर से डिजाइन देखो, मुझे सबसे ज्यादा टाइम ना इसी चीज में लगा था और सामान इधर उधर करने में भी सबसे ज्यादा टाइम लगा था। लेकिन खैर छोड़ो गाइस, फिर इसके बाद में एक डायमंड की पिकैक्स बनाता हूं और उसके ऊपर सिल्क टच के एन्चेंटमेंट पाने की कोशिश करता हूं। और फाइनली काफी ज्यादा मेहनत के बाद मुझे सिल्क टच मिल भी जाती है और उसपे मैं अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग भी अपनी तरफ से लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास उनके विलेजर थे। और तो और गाइस मैं उस सिल्क टच की पिकेक्स को भी नेदराइट में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि अब ये वाली पिकेक्स भी हमारी एकदम बीस्ट वाली पिकेक्स बननी चाहिए ना, कमी थोड़ी ना हमारे पास काले पत्थरों की। एंड फिर गाइस इसके बाद मैं वापस से बीकन के काम में शुरू हो जाता हूँ, लेकिन अभी मेरा डायमंड माइन करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता है तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ना बाकी के 2 बीकन की ग्राइंडिंग करी जाए जिनको मैं आयरन ब्लॉक से बनाने वाला था। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि उन्हें एक आयरन का फार्म बना ले जाए जिससे मेरे को काफी सारा आयरन मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर ही। तो इसलिए मैं शुरू हो जाता हूँ एक आयरन फार्म बनाने के लिए। और गाइस फाइनली हमारा आयरन फार्म बनके एकदम रेडी हो चुका था, लेकिन अभी तक मैंने उसे चेकआउट नहीं करा था कि वो मुझे कितना आयरन दे रहा है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अब हम डायमंड की माइनिंग पे निकलते हैं क्योंकि अभी हमारे पास बस 50 दिन बचते हैं। तो मैं अपनी सिल्क टच की पिकैक्स लेके अगले दिन निकल पड़ता हूँ माइनिंग करने के लिए। और गाइस मैं फिर से माइनिंग करने के लिए बहुत दूर जाके कोई केव ढूंढता हूँ और मेरे को एक ओपन केव भी मिलती है जिसके अंदर एक माइन शाफ्ट भी होते हैं। लेकिन मेरे को तो माइन शाफ्ट लूटनी नहीं थी क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मेरे को सिर्फ चाहिए तो सिर्फ डायमंड। और गाइस ये केव इतनी बड़ी होती है ना कि मतलब इसमें घूमते घूमते ही मेरे को कुछ डायमंड तो ओपन में ही पड़े हुए मिल जाते हैं। एंड जब ओपन में इतने सारे डायमंड मिल सकते हैं तो स्ट्रिप माइनिंग में तो और भी ज्यादा डायमंड मिलेंगे ना। तो इसलिए मैं शुरू हो जाता हूँ स्ट्रिप माइनिंग करने के लिए और ये स्ट्रिप माइनिंग मैं बहुत ज्यादा दिनों तक करता हूँ। एंड हाँ गाइज इस माइनिंग के दौरान मेरी पिकैक्स कई बार काफ़ी ज़्यादा लो हो रही थी तो इसलिए मैं नेदर में जाकर काफ़ी सारे क्वार्ट्ज माइन करके उसे बार बार रिपेयर कर रहा था। तो इसलिए भाई कमेंट सेक्शन में ये तो बिल्कुल मत कहना कि भाई पिकैक्स की एक्सपी कैसे बढ़ गई। और हाँ मैं ये बता देता हूँ कि गाइज जितने भी डायमंड्स मेरे को मिल रहे थे वो मैं सिल्क टच से तोड़ रहा था क्योंकि मैं उन्हें बाद में अपने बेस में जाके फॉर्च्यून 3 करने वाला था। 10 years later. And guys, finally, day 178 पे मैं अपने बेस में आ जाता हूँ वापस। और गाइज मैं पूरा शलकर बॉक्स भर के डायमंड ओर्स लेकर आया था। मतलब भाई मेरी ना एकदम हालत ख़राब हो जाती है इतनी माइनिंग करके। और ये मैं एक बारी में नहीं करता बल्कि मैं काफ़ी सारे पार्ट्स में करता हूँ और ये माइनिंग करने के लिए मुझे कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं। फिर गाइज मेरे पास जितने भी ओर्स होते हैं मैं उन्हें रैंडमली ऐसी अपनी बेस में कहीं पर भी लगाना शुरू कर देता हूँ। तो चलो जल्दी से इसे लगाते हैं। एंड गाइज हमारे सारे ओर लग तो चुके थे लेकिन अभी सबसे बोरिंग पार्ट ये था कि मैं उन्हें तोड़ूंगा तो तोड़ने वाला सेशन भी बहुत बोरिंग है तो इसे भी हम स्पीड अप ही कर देंगे। फाइनली गाइज डायमंड ओर्स को माइन करने करने में मुझे पूरा 1 दिन लग गया। और गाइज आप ये देखो मेरे पास कितने सारे डायमंड और इन दी एंड हमारे पास पूरे 2.5 से ज़्यादा स्टैक डायमंड आ चुके थे, मतलब डायमंड ब्लॉक आए थे। और गाइज मेरे हिसाब से ये थोड़े से ज़्यादा है, मतलब कम तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाले थे। और गाइज अभी बस हमें ज़रूरत थी तो आयरन ब्लॉक्स की ज़रूरत थी तो मैं अपनी इलाइट्रा पहनता और निकल पड़ता हूँ अपने आयरन फार्म पे कि देखने के लिए कि मेरे को कितना आयरन मिला है। और लिटरली गाइज मेरे आयरन फार्म का ब्लॉक ना पूरा आयरन से भरा हुआ था, मतलब मुझे इतने आयरन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो भाई इस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो इसने मुझे ये आयरन फार्म का ट्यूटोरियल दिखाया। तो मेरे को जितने भी आयरन वहां से मिलते हैं उन सबको मैं ब्लॉक्स में कन्वर्ट करता हूँ और लेकर आ जाता हूँ अपने घर के पास। एंड फिर गाइज जब मैं अपने घर पे आ जाता हूँ ना तो मेरे दिल के पीछे वाले चौक में एक बात अटक जाती है कि मैं एक फुल डायमंड का बीकन बनाने वाला हूँ लेकिन मेरा घर लकड़ी का है तो ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं अपने पूरे घर को तोड़ देता हूँ लेकिन इसकी जगह पे मैं बनाना शुरू कर देता हूँ एक मॉडर्न हाउस।
लेकिन गाइस घर बनाने के सीन्स में आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये पार्ट काफी ज्यादा बोरिंग था, बट मैं सिनेमैटिक सीन्स जरूर दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या बनाया। तो आओ सिनेमैटिक सीन्स एंजॉय करते हैं। एंड गाइज फाइनली डे 191 पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमारे सारी चीज़ें बन जाती है और अभी वक्त था कि हम अपने तीनों बीकन की स्थापना करें, मतलब तीनों बीकन्स को लगाएं। तो आओ उन्हें लगाना शुरू करते हैं। ऑल राइट सो गाइज हमने डायमंड और आयरन के ब्लॉक्स तो लगा दिया, अभी बस इनके ऊपर बीकन लगाना है। तो चलो जल्दी से ये लगाता हूँ मैं अपना पहला बीकन, और ये लगा दिया। ओके तो ये लगा फर्स्ट बीकन, ये लगा सेकंड बीकन, और ये लगा हमारा आखिरी बीकन, और हमारे तीनों बीकन एक्टिवेट हो गए। और मैं इनके ऊपर ना ब्लू ग्लास भी लगाऊंगा ताकि ब्लू कलर की लाइट निकले, बहुत अच्छी लगेंगी। ऑल राइट सो गाइज जब मैं इतना अमीर हूँ तो मैं इनसे पावर भी डायमंड लगा कर लूंगा। तो चलो सब में एक एक डायमंड लगाता हूँ और एक एक पावर ले लेता हूँ सबसे। 5 minutes later. Finally guys, मैंने तीनों बीकन से एक एक पावर ले ली और अब तो भाई मैं बहुत ही ज्यादा ओवर पावर हो गया। देखो मैं कितनी तेज भाग पा रहा हूँ और ऊंची ऊंची जंप भी लगा रहा हूँ। तो चलो गाइज मैं अपने एरिया के आसपास ना थोड़ी टॉर्चेस लगा देता हूँ ताकि मॉब स्पॉन ना होए। मस्त प्लान है। और गाइज एक बार आप ऊपर से देखो मेरा बेस कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन गाइज अभी भी मेरे पास 9 दिन बचे हैं कि ना थोड़ी सी डेकोरेशन करी जाए अपने बेस के ऊपर। तो चलो फिर डेकोरेशन शुरू करते हैं। एंड गाइज फाइनली एट द डे 199 हमारी डेकोरेशन हो जाती है कंप्लीट। और गाइज लिटरली अभी मेरा बेस के अंदर ना 4 चांद लग गए थे, मतलब इतना ज़्यादा ओपी लग रहा था ना। और गाइज मैंने जो यहाँ पे मेरा एक ब्रूइंग पोशन का हाउस था मैंने वो भी हटा दिया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को बेकार लग रहा था। वैसे तो गाइज मेरे को थोड़ी बहुत और डेकोरेशन करनी थी, बट गाइज 199 डेज हमारे कंप्लीट हो चुके थे तो मेरे पास और दिन नहीं बचे थे। तो इसलिए पिछली बार की तरह एकदम खुले आसमान के नीचे बेड लगा के मैं सर्वाइव कर लेता हूँ 200 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर।